नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज़ में। पांवटा साहिब के सिख समुदाय को नशे से हटाकर सिख मार्शल आर्ट की ओर आकर्षित करने वाले जत्थेदार धर्म सिंह ढिल्लों अब इस दुनिया में नहीं रहे। 62 वर्षीय जत्थेदार धर्म सिंह ढिल्लों का ब्रेन हैमरेज के कारण आकस्मिक निधन हो गया। देहांत के बाद पांवटा साहिब में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पेश है पांवटा से अक्षय गिल की रिपोर्ट। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत तो बाद जदों मियाँ मीर जी ने कहा कि आधा नारा मारिया कि जे महाराज सानू कृपा करो, असी दिल्ली ते लाहौर दी इट दे नाल इट खड़का दीए, तां फिर साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि नहीं, असी पंजवें जामे विच शांतिपूर्वक ढंग दे नाल रहना है ते छेवें जामे विच असी जुल्म दा मुकाबला करांगे। तां जदों हरगोबिंद साहिब जी रूप महाराज दे रूप विच आप जी आए ते आपने संगतां नूं आदेश दिता कि चंगे शस्त्र घोड़ चंगे घोड़ चंगे नेजे चंगीआं तलवारां चंगे जो है ऐसे शस्त्र लियांदे जाण और ये भेटा किए जाए ताकि असी इन्हां दे नाल ये जिहड़ा जुल्म हो रहा है इन्हां होण दईए। पर जे चंगे घोड़े होण चंगीआं तलवारां होण चंगे नेजे होण चंगे भाले होण उन्हां नूं किस तरह प्रयोग करना है ये जाच भी आनी चाहीदी है। सो इस महान मर्यादा नूं मुख रखदे होइआं सरदार धर्म सिंह जी पांवटा साहिब दे निवासी इन्हां दा परिवार ते इन्हां दे नाल होर सारे सहयोगी गतका सिखाउण दा जो प्रोग्राम इन्होंने कई पिछले सालों तो लिखा होया सी वो बहुत ही सुंदर प्रोग्राम सी। हर नगर कीर्तन में आप जी शामिल होते सन, इतना ही नहीं देश सारे देश में आप जी ने क्योंकि आप गतके में आप जी का जो ग्रुप सी साईं बाबा अजीत सिंह जी अखाड़ा वो बहुत ही मशहूर ग्रुप सी, दूरों दूरों बुलाया जाता सी और बहुत सारे इन्होंने इनाम प्राप्त किए। तो महाराज ने जितनी स्वास्थ्य रूपी पूंजी बख्शिश की सी वो पूरी कर गए हैं, पर गतके की वजों आप जी ने हमेशा जाने जाएगा और ये घाटा जो है ये पूरा होना बहुत मुश्किल है। गुरु महाराज के चरणों में अरदास है क्योंकि पांवटा साहब का नाम भी इन्होंने गतका खेड खेड के दूर दूर तक संसार पहुँचाया है। असी अरदास करते हैं महाराज इन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शना और पिछों परिवार को भाणा मंडी ताकत बख्शनी, जिहड़ा घाटा पिया है ये भी पूरा करना ताकि नौजवान पीढ़ी गतके की सिखलाई सीख के अपने शरीर नूं नरोआ रख सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।